हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ऑल इन वन चैनल। तो गाइस, ये जो आज की वीडियो है वो वोकैबुलरी है और इसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इजी है। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो 8+ बैंड्स की है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और आज मैं आपको होमवर्क भी देने वो आप वीडियो देखने से पहले अपने पास पेन और पेपर रख लें ताकि आपको बाद में वीडियो पॉज करके जाना ना पड़े। जो देने और मैं जो आपको होमवर्क दूंगी उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने हैं एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेक अ नैप, मींस हैव अ नैप, ये वर्ब है। तो गाइस, इसका मतलब होता है टू हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे। तो गाइस, जैसे कि आप एक हॉबी बता सकते हैं, आप जब आपको पूछे क्या फ्री टाइम में क्या करते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने फ्री टाइम में नैप लेना पसंद करता हूं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस है, आई हैड अ नैप फॉर अबाउट एन आवर, आई टेक अ नैप ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर लंच। तो और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लै, ये वर्ब है। तो इसका मतलब होता है टू टेक इट ईजी, राइट, एंड आप इसे क्या टू काम डाउन एंड टू रिलैक्स टेंशन एंड एंजाइटी। तो गाइस, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक टू टेक अ बाथ टू रिलैक्स आफ्टर अ हार्ड डे वर्क। एंड द सेकंड वन इज, पीपल इन द 21st सेंचुरी वर्कड हार्ड एंड डिडंट हैव टाइम टू रिलैक्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज टेक अप, वर्ब है ये भी, और इसका मतलब होता है स्टार्ट टू लर्न और डू समथिंग, ठीक है। ही डिसाइडेड टू टेक अप फोटोग्राफी एज अ हॉबी, जैसे आप इसको हॉबी में बता सकते हैं कि took up jogging after her doctor advised her to get some exercise, right? And the next one is take part, ये भी वर्ब है। तो इसमें participate in something, इसका मतलब है participate, किसी भी चीज में participate करना, in something, right? He took part in the sporting event. We took part in the contest. है हमारा in the mood, ये expression है। तो जैसे कि आपको interest बताना है, free time बताना है, तो आप ये use कर सकते हैं। To feel like doing something. I am in the mood to listen to music online. I am not in the mood to talk to her. तो गाइस, जैसे कि आप ये word use कर सकते हैं अपने free time में, क्या करते हैं, I am in the mood to listen to music online, ठीक है। And the next one is rock climbing. जैसे कि आपको पता है कि ये एक स्पोर्ट एक्टिविटी है और ये नाउन है, द एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग रॉक की क्लिफ्स एज अ हॉबी और अ स्पोर्ट। को रॉक क्लाइंबिंग जो है वो पसंद है, आप हॉबी बता सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट का टॉपिक आया है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कोई ऐसी स्पोर्ट बताएं जिसे आप फ्री टाइम प्ले करते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं, कि मेरा स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, जो स्पोर्ट है वो सबसे पसंद है। पीपल हु एंजॉय रॉक क्लाइंबिंग आर एडवेंचरियस एंड ब्रेव, रॉक क्लाइंबिंग इज प्रीटी पॉपुलर दीज दे। हमारा नेक्स्ट वन है फास्ट पेस्ड, तो एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मूविंग और हैपनिंग वेरी क्विकली, कुछ भी मूव होना जो कुछ और कुछ भी बहुत जल्दी होना का मतलब होता है, और वेरी बिजी, आप इसे वेरी बिजी भी कह सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है गाइस, द शो इज वेरी फास्ट पेस्ड एंड द टैलेंट इज आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन है ऑन क्लाउड 9 एंड ये एक्सप्रेशन है, आप अपना एक्सप्रेशन बता सकते हैं, जब आप बहुत ही खुश होते हैं इसका मतलब वो भी एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड एवरी टाइम शी कॉल्स मी अ साइंटिस्ट आई फील लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9, जब आई एम ऑन क्लाउड 9 इन माई न्यू कार। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा सेडेंट्री, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग डाउन एंड लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे कि जो आउटसाइड एक्टिविटी नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, टाइम बैठने में स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपको कोई राइटिंग टॉपिक आ गया तो उसमें आप बता सकते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और जो उनकी आउटसाइड एक्टिविटीज है बहुत ही कम हो गई हैं। इसे इसका मतलब होता है कि जो इन जिस लोगों का ये सेलेक्चुअल होता है वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते, ज़्यादा अपने घर पर रहते हैं, आउटसाइड एक्टिविटीज़ पर उनका ध्यान नहीं होता, एक्सरसाइज है वो बहुत ही कम होती है। तो गाइस, जैसे इसकी एग्जांपल है, शी हैज़ अ सेडेंटरी जॉब वर्किंग एज अ सेक्रेटरी इन एन ऑफिस, ठीक है। सो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गिव अप, गिव अप क्या है, वर्ब है, टू क्विट मीन्स गिव अप करना, क्विट कर देना कोई भी काम, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते, ही वॉज राइट टू गिव अप स्मोकिंग, राइट। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है टैलेंट, ये नाउन है एंड इसका मतलब होता है स्पेशल एबिलिटी, कोई भी आप में जो स्पेशल एबिलिटी है उसे हम टैलेंट कहते हैं, और जैसे आप कोई स्किल भी कह सकते हैं कि स्किल दैट समवन हैज। तो आपका एक होमवर्क ये है कि आपको बताने हैं कि आपको कमेंट करना है हर जो भी वीडियो देखेगा कि आप में से कौन सी स्पेशल एबिलिटी है।
तो जैसे ये इसके सेंटेंस है, शी हैज़ अ टैलेंट फॉर डांसिंग, क्या उसके पास टैलेंट है डांसिंग का, तो आपके पास कौन सा टैलेंट है उसका आपको कमेंट करना है. ही इज़ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग, ही हैज़ अ टैलेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट. आपको इनमें जो टैलेंट है, आपके पास जो स्पेशल एबिलिटी है, उसका कमेंट करना है. है हमारा डेली रूटीन, नाउन है. एक्टिविटीज डैट यू डू एवरी डे, तो क्या है जो आप एक्टिविटीज डेली करते हो उसे हम कह सकते हैं डेली रूटीन, राइट. ये तो बहुत इजी है, अब ये बना ही लीजिए सेंटेंस, राइट. वंस पैशंस वर्ब है ये, यू फॉलो योर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स, ठीक. टेंस है, शी वांट्स टू परसू हिज पैशन फॉर पेंटिंग, राइट. एंड हमारा नेक्स्ट वन है रेयरली, इसका मतलब होता है सेल्डम, एडवर्ब है ये, जो हम बहुत ही कम काम करते हैं, नॉट वेरी ऑफन, ठीक है, बहुत ही कम. ही रेयरली प्लेज एनी स्पोर्ट्स, शी रेयरली गोज आउट, शी रेयरली प्लेज एनी स्पोर्ट्स, राइट. नेक्स्ट है हमारा वो है, हमारा नेक्स्ट है ड्रॉप इन, वर्ब है ये, टू विजिट समवन. माई फ्रेंड ड्रॉप्ड इन एट माई हाउस यस्टरडे. नेक्स्ट है हैंग आउट, वर्ब है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन इन अ प्लेस, ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा कहीं जगह पर टाइम स्पेंड करते हैं किसी के साथ, किसी प्लेस पर, इन अ प्लेस. सो वी यूज टू हैंग आउट एट द पूल. नेक्स्ट वन है टेक इट ईजी, वर्ब टू रेस्ट और रिलैक्स, ठीक है. टेक इट ईजी, डोंट वर्क सो हार्ड. वी टेक इट ईजी वन वी आर tired. The doctor told her to take it easy for a while until she felt better. Next है have a good command of, verb है to have the ability to use something, especially a language. She has a good command of French. तो next है on a daily basis, adverb every day. इसका मतलब होता है every day, on a daily basis. We eat on a daily basis. I go swimming on a daily basis. तो ये बहुत ही simple से sentence है, लेकिन जैसे आप बोलेंगे एवरी डे से बोलने से अच्छा ये बोले ऑन अ डेली बेसिस, तो कितना अच्छा लगता है. और बकैब है तो इससे आपके मार्क्स भी हैं, जो बैंड्स हैं वो इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट है टू इम्बार्क ऑन, वर्ब है टू स्टार्ट टू डू समथिंग. जैसे कि कई बार हम इसे राइटिंग में यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं दोनों में. ये जो सेंटेंसेज है दोनों में यूज होने वाले हैं. शी इम्बार्क ऑन हर मैरिज विद एनी होप्स एंड फियर्स. हमारा नेक्स्ट वन है व्हेन इट कम्स टू, एक्सप्रेशन है व्हेन टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आप इस किसी के बारे में बताने वाले हैं. व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक देर आर नो डिलेज एट द मोमेंट, जैसे कि आपको एयर पोल्यूशन पर कोई ऐसे आ गया तो आप बता सकते हैं. व्हाट इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम सेकेंड पैरे में बनाते हैं, तो आप ये देख लें. रन्स इन अ ब्लू मून, एडवर्ब, वेरी रेयरली नॉट वेरी ऑफन, बहुत ही कम. आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सिडनी, बट नाउ आई ओनली गो देयर वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट वन है यूज टू, एडवर्ब है टू शो दैट समथिंग इज यूजली डन और एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस होता है पास्ट का, जिसे आप करते ही रहते हैं. जैसे आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी डे, जो आप डेली बेसिस पर करते हैं, यूजली करते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता है. जैसे हम कोई भी क्लास में होते हैं, हमें कोई टॉपिक पढ़ते रहते हैं, तो हम बार बार वो टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं यूज टू है, गो थ्रू हो गया है इसे, ठीक है. वो कैप होती है ये. नेक्स्ट वन इज ऑल ईयर राउंड, एडवर्ब थ्रू आउट द इंटायर ईयर. ये हम राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग करने लगते हैं, तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स करते हैं नाउअडेज, इन दिस डेज, ऑल ईयर राउंड, थ्रू आउट द इंटायर ईयर. And the sentence is, they had to work all year round. I live here all year round now. Next is, have a whale of time. Adverb, have a good time. We all had a whale of time at the party. I went to London when I was 22 and I had a whale of time. So guys, हमारे एक vocab का word रह गया, उसका मैं meaning बताता हूँ आपको. उसका meaning for ages, adverb है, for a very long time, ठीक है. I have not seen her for ages. I have been working at this job for ages. कोई भी काम बहुत लंबे समय से, for a very long time. उसे हम कहते हैं for ages. For ages. Next one है हमारा in favor of. In favor of expression है to support or improve of something, right? जिसे आप writing में use कर सकते हैं. जैसे कि आपको opinion based ऐसे आता है, जब आपको आपसे favor पूछा जाता है कि आप इसके favor में है या नहीं, तो तब आप इसे use कर सकते हैं. टू स्पोर्ट और इम्प्रूव ऑफ समथिंग, कि आप किसी स्पोर्ट में हैं या नहीं.
ही इज इन फेवर ऑफ स्टॉपिंग वर्क. अगर आप इसके फेवर में नहीं है तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट इन फेवर ऑफ हिटिंग चिल्ड्रन. आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं और इसका पॉजिटिव भी बना सकते हैं. ये जो कैप के वर्ड्स हैं, इट प्लस पैंट्स हैं, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए. तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखें. आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आप उसके आंसर्स कमेंट जरूर करिएगा. तो नेक्स्ट वन है अम्यूजमेंट पार्क. तो नेक्स्ट है गाइज अम्यूजमेंट पार्क, अ थीम पार्क, फन फेयर. नाउन है और इसका मतलब होता है एन आउटडोर एरिया फॉर एंटरटेनमेंट वेयर पीपल पे मनी टू गो ऑन राइड्स एंड प्ले गेम्स टू विन प्राइजेस. द किड्स हैड अ गुड टाइम एट द अम्यूजमेंट पार्क. ही लाइक्स पिंक कॉटन कैंडी इन एन अम्यूजमेंट पार्क. लास्ट है गाइज नाइटिंग. ये नाउन है और इसका मतलब है द एक्टिविटी ऑफ नाइटिंग थिंग्स. कोई भी थिंग्स आप इसमें कह सकते हैं, सच एज स्वेटर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा. जैसे क्या है, तो आपको किसी पर्सन पर एक्सप्लेन करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज एक्सप्लेन करनी है, तो आप जब भी आपको क्यू कार्ड एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमें बताना होता है कि उसकी पसंद क्या है, वो उसका क्वालिटीज़ क्या है, उसकी डिसलाइक्स क्या है, लाइक्स क्या है. तो उसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं नाइटिंग की, उसे नाइटिंग का भी शौक है. शी स्पेंट मैनी डेज नाइटिंग एज वेटर फॉर शी लव्स नाइटिंग एंड वर्किंग विद फैब्रिक्स. ये आप बता सकते हैं कि उसका उसे पसंद है नाइटिंग एंड वर्किंग विद फैब्रिक्स. तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगेगी. तो गाइस अभी आपका होमवर्क है, आपका फर्स्ट मैंने आपको दिया था कि आपको कमेंट करना आप में स्पेशल एबिलिटी कौन है वो. सेकंड थिंग आपको बताना है, जैसे मैंने ये सारे वर्ड्स वो कैप के यूज किए, इसमें मैंने बताया वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है. तो आपको हर के नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के दो दो वर्ड्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको पता है. अगर नहीं पता तो मैं आपको इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी. तो गाइस ये था आपका होमवर्क, तो आप दो दो वर्ड्स कमेंट करें एंड आप ये बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी. मोर थिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था कि मैं आपको वोकैब के टॉपिक बताऊंगी, तो आप इनमें से मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए. तो टॉपिक्स हैं एडुकेशन, स्टूडेंट्स लाइफ, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, कीपिंग फिट, फ्री टाइम, हॉबीज, इंटरेस्ट जो कि हमने आज किया है, द मीडिया, बुक्स एंड फिल्म्स, अर्बनाइजेशन, environment, weather, climate change and pollution, accommodation, houses, flats and room time, travel, tourism and holidays. Next one is music, food, technology, friends, towns and cities, family, people and relationships, law, crime and punishment, business, money, shopping, clothes and fashion, personality, feelings and emotions, people, physical appearance, other things, description, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. एंड आई होप आप शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब माई चैनल. तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग.